अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा वीडियो है ये खुसूसन सिख बरादरी के लिए है और कश्मीरी भाइयों के लिए भी। बाहर हमारे भाई पढ़ते थे तो उनको टारगेट बनाया गया, उनको पीटा गया और किसी ने हमारी मदद नहीं की। 22 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, किसी ने उफ तक नहीं किया। मदद किया तो किया सिर्फ सिख बरादरी ने। रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए फूड दिया और सेफली घर तक पहुंचाया। हम थैंक यू अदा करना चाहते हैं खालसा एड इंटरनेशनल को, उनसे भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और सिख बरादरी से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप खुद ही देख सकते हैं कितनी मदद की हमारी सिख बरादरी ने। थैंक यू। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚ ਆ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਸ਼ਹੀਸ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਸੇ ਹੋ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇ? ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੇ। ਸੇਫ ਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੇਫ ਸੇਫ ਹੈ, ਉਸ ਮੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਕਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸੇਫ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਹਮੇ ਇਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਤਨੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇ ਯਹਾਂ ਰਹਿਣੇ ਦਿਆ, तो आपकी वजह से हम यहाँ पे ठहरे थे। खाना मिल रहा है, लंगर मिल रहा है? लंगर मिल रहा है, चाय मिल रही है, खाना मिल रहा है, सब कुछ ठीक मिल रहा है। तो ख्वाजा जी बोलिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, सेफ महसूस कर रहे हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में? तो पूरा सेफ महसूस कर रहे हैं। एक तो हम जो चंडीगढ़ के लोकल स्टूडेंट्स हैं वो रह रहे हैं यहाँ पे, और हमने पूरे इंडिया से जो स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे पास वो यहाँ पे शेल्टर दे रहे हैं इनको, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट प्लेस है हमारे। गुरुद्वारे से कैसे प्रबंध हो रहा है आप? गुरुद्वारा उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है, कल से उधर से आए कल के आप आओ हमारे पास, हम आपको शेल्टर देंगे, हम आपको खाना देंगे। और हम यहाँ पे आए इस टाइम हमारे यहाँ पे कम से कम 100 बच्चे शेल्टर ले रहे हैं यहाँ पे इस गुरुद्वारा में, तो इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आ सारे टीम के सदका अज जिहड़े भी कल भी रात असीं डिस्पैच कीता बैच कश्मीरी स्टूडेंट्स का, जिहड़े कि वख-वख शहरां तों पंजाब दे विच अपने सेफ्टी कंसर्नस नूं लै के पहुँचे सीगे। सो अज भी सवेरे 5 बजे साडी देहरादून दी टीम सरदार इंद्रजीत सिंह वरी, करण सिंह वरी लैके 2 बसिस 120 बच्चों का बैच है जिहड़ा अज लै के सवेरे उरे पहुँचे। सो हुण उन्हां दे लई ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करके गुरद्वारा साहिब साचा धन तों जिहड़ी ट्रांसपोर्टेशन है वह अरेंज की गई है, तो हुण सारे बच्चों का जिहड़ा बैच है 120 स्टूडेंट्स का वह असीं जम्मू लई तोर रहे हैं। सो संगत नूं अपडेट देना चाहुंदे सी, एक इंसानियत का सुनेहा जिहड़ा खालसा एड दे वल्लों एक कदम चक्या गया कश्मीरी भरावां भैणां दे लई, क्योंकि इस टाइम जरूरी है कि असी जो उन्हां दी पेन है, जो उन्हां दा दर्द है, तो उन्हां दे नाल खड़ीए, तो जो भी वह मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। खुशी दे करके इन्हों है कि अज साडे नाल पूरी कौम खड़ी है। सो एनी मैसेज फॉर खालसा एड? वी लव यू खालसा एड, वी लव यू। गल शेयर करना, कल ही असी जिहड़ा हेल्पलाइन नंबर इशू किया ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। Thank you.
जी हम सिख बरादरी का कर्ज तो नहीं उतार सकेंगे, लेकिन जितना कुछ कर सकते हैं उतना हम जरूर करेंगे और हमारी बरादरी ऐसी ही कायम रहेगी इंशाल्लाह। हमने दीजिए सेलेक्ट रायो सेलेक्ट रायो दीजिए हमने असल पर शूटिंग वूटिंग इनकी बना के देना इनको रास्ते में। हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, बट जितने भी यहाँ पे सरदार फैमिली कोई भी आएगी तो हमारी यूनियन ये डिसाइड किया है कि इन लोगों के लिए स्पेशल कंसेशन होगी। यहाँ पे हज़ारों का इनसे हम सिर्फ 400 रुपया लेंगे, सिर्फ पेट्रोल का खर्चा लेंगे, बाकी कोई नहीं। बोलूंगा कि इस रोल से पूरे उन हिंदुस्तान के लोगों को मतलब देखना चाहिए कि यू आर द रोल मॉडल्स। हमारे बच्चे, हमारे माएं, हमारी बेटियों की जो इज्जत आबरू आप लोगों ने बचाई, उनको सही सलामत यहां पहुंचाया जब कुछ लोग बहक गए थे। मैं अपने कॉरपोरेटर्स की तरफ से, कश्मीरी भाइयों और बहनों की तरफ से, सबकी तरफ से इसलिए यहां पर आया गुरुद्वारा कि आपको तहे दिल से शुक्रिया करूं, आपका शुक्रगुजार हूं। ये एक मिसाल कायम की है आपने और इसका इंशाल्लाह बखूबी हम लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज शाम से ही हमें सोशल मीडिया के ऊपर जो ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं, जो हमारे कश्मीरी भाइयों की तरफ से सिख बरादरी के लिए है, एक्चुअली ये हमारे कश्मीरी भाइयों का प्यार है जो सिखों के लिए वो दिखा रहे हैं। ये प्यार दिखाने का एक तरीका है और हम उनके इस प्यार को वेलकम करते हैं और हमेशा ही उनका ये प्यार हमारे दिलों के अंदर रहेगा। बाहर इंडिया में और जम्मू में सिख भाइयों ने जो कश्मीरी स्टूडेंट्स की और कश्मीरियों की जो हेल्प की है, ये उनका फ़र्ज था। उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए ये हेल्प नहीं की। गुरु नानक साहब के टाइम से ही सिख मजलूमों की और ज़रूरतमंदों की हेल्प करते आ रहे हैं, तो ये पहला वाक़ा नहीं है जब सिखों ने किसी की हेल्प की है। सिख तो बहुत सालों से, जब से सिख धर्म स्टार्ट हुआ है तब से वो लोगों की हेल्प करते आ रहे हैं, भूखों को खाना खिलाते आ रहे हैं, ज़रूरतमंदों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करते आ रहे हैं। तो बाहर के जो सिखों ने ये काम किया है, ये बहुत ही बढ़िया काम किया है और मैं आस करता हूँ कि सिखों में और मुसलमानों की जो कश्मीर में जो भाईचारा है ये हमेशा कायम रहेगा और ये हमेशा बरकरार रहेगा। कश्मीर में जो मौजूदा समय में जो हालात चल रहे हैं, इसका हल क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर एक इंसान के दिल में पैदा होता है, चाहे वो किसी भी मुल्क का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो। हर इंसान आज ये सोच रहा है कि कश्मीर का जो ये मुद्दा है इसका हल क्या है। मैं खाली एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा, हमारे कश्मीरी भाई
कुछ बंदों के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे वही कश्मीरी भाई सिख भाइयों के लिए ये ऑफर्स दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि उनको क्या चीज करनी पड़ेगी जिससे इनके दिल में उनके लिए भी प्यार जाग जाए, जैसे सिख भाइयों के लिए इनके दिल में प्यार जागा है। क्योंकि अगर हम प्यार देंगे तभी किसी के दिल में हमारे लिए प्यार पैदा होगा। अगर हम नफरत ही फैलाएंगे तो दूसरे के दिल में भी हमारे लिए नफरत ही पैदा होगी। तो फिर से मैं हमारे कश्मीरी भाइयों का शुक्रिया करना चाहूँगा जो उन्होंने अपना ये प्यार दिखाया है। हमेशा ही सुख हो या दुख हो, हम हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Love, I want to share the goodness of humanity today because we got Dr. Shaukat Shifa from Dr. Shaukat Shifa Shaida, who said, I will give free consultation to Sikh children until 31st December 2019 in a clinic in Kashmir. Amazing. We got IPTS Heights School in Kansai, Kashmir, said they will not give charge fee to the Sikh children. We got vendors in Gulmarg, Kashmir, who are giving free rides on their snow scooters to the Sikhs and then charging like half the price. We got a guy, if you're on Twitter, then get ready to write this down. I'll give you his Twitter address. He's offering a CCIE certifications from Cisco Systems by a master trainer. Usual price is $2,000, but it's free this year for all Sikhs. And his Twitter handle is, if you want to get in and take your Twitter, is at K for Kilo, H for Hotel, A for Alpha, W for Whiskey, A for Alpha, R for Romeo, B for Bravo, 7. So at Karab 7. So Kawarb 7. Sorry if I pronounce it wrong. This is just the tip of it. This is just some of the stuff I'm picking up on social media. Hate equals hate. Love, give love, get love. Kashmiris have opened their doors to the Sikh community. All my message to my fellow Kashmiris who are being so generous is, don't just open the door to the Sikhs, open the doors to people who are poor as well. We can't be seen to be favored, even though you're showing so much love and respect. We don't feel that, you know, if you're helping children, then if you help any more children, if any surgery wants to do something discounted for the poor in Kashmir, we will be very happy to work with them. You humble us with your love and support. That's my message to the people of Kashmir. On our social media, like I said, you've been called terrorists, you've been called mean people, you've been called all sorts of names. But what you have shown is complete opposite. We have faith. I always have faith in human nature and humanity. When I worked in the beginning, in the early days of Khalsa Aid, I was going in different camps around the world. I was told, don't go to Muslim countries, don't go to the Middle East. They will kill you, they will chop you up. You know, they were bloodthirsty, the Muslims. It's all rubbish. Rubbish to divide people. There is no bad Hindu, no bad Muslim, no bad Sikh, no bad Christian. There are only bad people.